क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक परमियबिलिटी म्यू नॉट। जब भी डायमेंशन निकालें तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पहला वाला जो फार्मूला वो इससे रिलेटेड है, फोर्स के हमें पता है, चार्ज के हमें पता है, और ई के निकालने हैं, फोर्स क्यू इंटू ई, ई के निकालने हैं, तो फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज करंट किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इन वन सेकेंड इज कॉल्ड करंट, तो एफ अपॉन आई टी, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स के तो क्या होते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, एल टी माइनस टू, आई आई होता है टाइम का, टाइम पीरियड का टी हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, एम एल टी की पावर माइनस थ्री आई की पावर माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ए पार्ट्स का जो आंसर है वो होगा एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस थ्री, आई की पावर माइनस वन। बी, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला, फोर्स जो है कोई ये ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, क्यू वी बी, कोई मूविंग चार्ज है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर होती है, क्यू वी बी के बराबर होती है, तो बी का हमें निकालना है, वो किसके बराबर, फोर्स अपॉन क्यू, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। फोर्स का तुमने अभी किया था एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज का भी हमने किया था, चार्ज किसके बराबर है, आई इंटू टी, आई इंटू टी, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू, आई की पावर माइनस वन, ये फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड बी, हमें निकालना मैग्नेटिक परमियबिलिटी, म्यू नोट का फार्मूला निकालना, उससे रिलेटेड फार्मूला है बी, और बी का जो डायमेंशनल फार्मूला वो हमें आता है, हमने भी प्रूव किया, तो म्यू नोट अपॉन टू फाई आई अपॉन ए, कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट आई फ्लो कर रही है, सर्कुलर सर्कल की फॉर्म में है, और उसकी जो रेडियस ए है, करंट आई फ्लो कर रही है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके बराबर होता है, तो हमें म्यू नोट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, म्यू नोट किसके बराबर हो जाएगा, बी टू पाई ए अपॉन आई, इसके बराबर होगा, बी का फार्मूला होगा, बी ट्राई किया हमने, एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू, आई की पावर माइनस वन, टू पाई डायमेंशनलेस है, नंबर है तो प्योर, ए जो है रेडियस है, नी लेंथ है, अपॉन आई, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, एम की पावर वन, एल की पावर वन, एल जीरो था यहाँ पे वन है, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, आई की पावर माइनस टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।